हेलो माय लवली किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सी दिस इज योर इंग्लिश नोटबुक। टुडे वी आर गोइंग टू डू मैच द पिक्चर्स, मैच विद द पिक्चर। सी ये क्या लिखा हुआ है मैम ने, दीज आर द अल्फाबेट्स। क्या बोलते हैं इसको, अल्फाबेट्स। हम अल्फाबेट्स को हम किससे मैच करेंगे, उनकी पिक्चर्स के साथ। So the first alphabet is B. Which is this letter? B. B. B says B. B says B. B को B. और हम इसको किसके साथ मैच करेंगे? B से क्या होता है? See ये pictures बनी हुई है ना, हम B को मैच करेंगे ball के साथ। B says B. B B ball. Next is L. L से क्या होता है? L leaf. A says A apple. What is this? This is letter D. D says D dog. What is this? This is letter T. T says T ट्री। कहाँ पर बनाया मैम ने ट्री, देखो दिस इज टी एंड दिस इज लेटर सी। विच इज दिस लेटर, लेटर सी। सी सेज क, सी क कैट। हम इसके साथ मैच करेंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज लेटर आई। आई सेज ई, आई ice cream. And this is letter H. What is the sound of letter H? H says her house. तो आपने भी ये same to same work करके मैम को वीडियो सेंड करनी है और पिक सेंड करनी है। अच्छे से आपने लेटर्स को देखना है, फिर उसकी पिक्चर्स को देखना है कि कौन से लेटर के साथ कौन सी पिक्चर को मैच करते हैं। ओके सो अभी हम एक और वर्क करेंगे। सी दिस इज योर मैथ्स नोटबुक। आज हम करेंगे एनसर्कल द करेक्ट नंबर। एनसर्कल द करेक्ट नंबर, इसका मीनिंग ये है कि ये देखो मैम ने ना, आपने बाहर वाला नंबर देखना है। विच इज दिस नंबर, नंबर टू। टू नंबर है ना ये। अब आपने ये देखना है कि टू नंबर इसके अंदर मैम ने कहाँ लिखा है, इस ट्रायंगल के अंदर मैम ने टू नंबर लिखा है, कहाँ लिखा है, ये है ना। सो इसको हम सर्कल कर देंगे इस तरह से। अब ये क्या है, नंबर फाइव। अब हम क्या करेंगे, नंबर फाइव को यहाँ पे ढूंढेंगे और उसको सर्कल कर देंगे। एंड दिस इज नंबर नाइन। अब हम नाइन को यहाँ पर सर्कल कर देंगे। एंड दिस इज नंबर ज़ीरो। अब ज़ीरो कहाँ पर है, ये रहा, इसको भी हम यहाँ पर ऐसे सर्कल कर देंगे। है ना इजी। इसको हम रेकोगनेशन ऑफ नंबर्स बोलते हैं कि इससे हमें पता चल जाता है कि हम नंबर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके सो डू दिस एट होम। ओके बाय।